नमस्कार दोस्तों, शनि और चंद्र का विष दोष कहीं आपके जीवन में परेशानियां ना पैदा कर दे, कहीं जहर ना घोल दे। 16, 17, 18 शाम तक आपको विष दोष का प्रभाव रह सकता है और 18 से 23 तारीख के मध्य मृत्यु पंचक का भी समय रहेगा, तो आगे आने वाले 8 दिन काफी खतरनाक है। इसमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शुभ काम ना करें तो बढ़िया रहेगा। सभी राशियों के लिए यह समय कष्टकारी होगा, अलग अलग मामलों में। किसी के लिए कुछ कष्ट है, किसी के लिए कुछ कष्ट है, लेकिन मृत्यु पंचक में तो सभी को शुभ काम नहीं करने हैं। तो आपकी राशि पर विष दोष का क्या प्रभाव होगा और मृत्यु पंचक वाले दिन हमें क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो बात करते हैं आपकी राशि की। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो अपनी कुंडली को देख लीजिए, 10वें घर पे ये विष दोष का योग बनेगा, या कहें अशुभ योग बनेगा। 10वें घर में शनि चंद्र का आना आपके करियर में तकलीफ दे सकता है, आपको चोट चपेट लग सकती है। शनि क्या है? शनि लंगड़े हैं, कुरूप हैं। चंद्रमा एक सुंदर ग्रह है, एक लंगड़ा व्यक्ति, काला व्यक्ति और एक सुंदर महिला का साथ बेमेल होता है, तो समझ लीजिए इसी तरीके का यहाँ पर दिक्कतें आ सकती है। विष का मतलब होता है जहर, यानी विष मृत्यु के समान होता है। जब जहर किसी के जीवन में घुलता है तो दरिद्रता आती है, परेशानियां पैदा होती हैं। विष मृत्यु के समान कष्ट देता है। तो आपको अपने बॉस से झगड़ा नहीं करना है, बहस नहीं करनी है। आपके साथ जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके साथ सही तरीके से व्यवहार को रखना है, और आपके काम में रुकावटें आएंगी, उस रुकावटों का सामना करना है, उनका हल ढूंढना है। उसके लिए ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। तो सब कुछ विष दोष की वजह से होगा, दिक्कतें परेशानियां आएंगी। पैसा भी कमा लेंगे लेकिन परेशानियों के बाद। शरीर में आलस का आना, पैसों की कमी होना, सोच का नकारात्मक होना, गलत गलत सोचना, बुरी संगति में चले जाना, बुरे लोगों से दोस्ती कर लेना, मांसाहार, नशे वशे की चीज़ों में पड़ जाना। ऐसा व्यक्ति अपने मित्र सगे संबंधियों के द्वारा ही ठगा जाता है। जिन पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही आपको ठग लेते हैं। कहते हैं विष योग बनने पर जिंदगी में वही लोग सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं जिनकी आप सेवा करते हैं, यानी जो आपके करीब होते हैं। कहते हैं विष दोष जब जिंदगी में बन जाए तो जिस कुत्ते को आप रोटी खिलाते हैं, रोज़ रोटी खिलाते हैं, वही कुत्ता आपको काट लेता है। तो इतना खतरनाक होता है। जिस भाव में विष दोष बनता है उस भाव में जो मिलने वाले फल होते हैं उनमें कमी आ जाती है। 10वें घर में बनने वाला विष दोष खतरनाक होता है क्योंकि यह भाव करियर का है। और करियर क्या है? हमारा नौकरी, हमारा व्यवसाय। अगर हमारी नौकरी और व्यवसाय ही ठीक तरीके से नहीं चलेगा तो हम क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या परिवार को पालेंगे? तो आपके करियर की जो ऊंचाइयां हैं जिनको आप पाना चाहते हैं उसमें थोड़ी सी रोक लग सकती है। आप लंबे समय तक इंतज़ार करें उसके बाद आपको सफलता मिले, या बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद सफलता मिले। विष दोष के कारण बहुत सावधानियां आपको रखनी होती हैं। आपकी इज्जत मान सम्मान पर उंगली उठ सकती है, आपकी ईमानदारी पर उंगली उठ सकती है, आपके काम करने के तरीकों पर उंगली उठ सकती है। आपकी सोची हुई बात जो है उसको लोग उल्टा कहकर कहेंगे, आप कहेंगे यस, लोग कहेंगे नो, तो इसमें मतभेद हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो सावधानी पूर्वक इंटरव्यू दें, यहाँ पर आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इस समय में कार्य, व्यापार, नौकरी में कोई तब्दीली नहीं करें, कोई बहुत बड़े फैसले तब तक ना लें जब तक आप 100% श्योर ना हो जाएं। राजनीति में हार का सामना करना पड़ सकता है। आप अपनी नौकरी और व्यवसाय में संतुष्ट नहीं होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कमी रह गई और अच्छा कर सकते थे, पाकर भी ऐसा लगेगा कि अभी भी कुछ कमी है। बार बार काम बदलने का मन में ख्याल आएगा, ऐसा लगेगा उसका काम ज़्यादा बढ़िया चलता है, उसका काम ज़्यादा बढ़िया चलता है, मैं ऐसा कर लूँ। इन्हीं सब में व्यस्त रहेंगे और करेंगे कुछ नहीं। आपके साथी, आपके विरोधी आपको तकलीफ दे सकते हैं। रात्रि के समय दूध का सेवन या दूध के साथ में बादाम खाना या शनि से संबंधित चीज़ों को दूध के साथ खाना अत्यधिक हानिकारक साबित हो सकता है। हर एक क्षेत्र में आपको भूलने की आदत पड़ सकती है। अधिक चिंता के कारण आप उल्टे सीधे फैसले ले सकते हैं। व्यवसाय में कोई एंट्री गलत हो सकती है, आपको जैसे हिसाब किताब होता है कोई गलत हो जाए, जिसकी वजह से
पैसों का हेर फेर हो सकता है या पैसों का बड़ा नुकसान हो सकता है, कई यात्राएं भी आपकी कैंसिल हो सकती हैं, कई बनते बनते काम बिल्कुल आपको लगा कि कल तो ये काम हो ही जाएगा लेकिन फिर उसमें कोई विलंब पड़ गया, ऐसा भी हो सकता है। गृहस्थ में यानी आपके घर में जो खुशियां आने वाली हैं उसमें विलंब हो सकता है, घर में आने वाली चीजें जो हैं जैसे चाहे वो अपने पर्सनल इस्तेमाल की चीजें हों या पारिवारिक इस्तेमाल की चीजें हों उनमें देरी हो सकती है, घर में अशांति हो सकती है, पैसों की कमी की वजह से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है और माताजी की सेहत खराब हो सकती है, महिलाओं की सेहत खराब हो सकती है और रिश्तों में भी तनातनी बनी रह सकती है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखते हुए चलिएगा, इन सब चीजों से आपको बचना है तभी आप इस विष दोष के प्रभाव से बच पाएंगे, अन्यथा ये विष दोष आपको परेशान कर देगा। आपकी सफलता प्राप्ति की जो स्पीड है वो धीमी हो सकती है, मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए लोगों को काफ़ी तकलीफें आ सकती है, धन की कमी के कारण आपको घूम घूम कर पैसा कमाना पड़ सकता है या एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है, काम के साथ कुछ और भी करना पड़ सकता है, किस्मत का मारा भी आपको कुल्ले कह सकते हैं कि हाथ आते आते चीजें हाथ से निकल गई, माता पिता की सेहत के लिए आप कष्टकारी साबित हो सकते हैं, पिता की सेहत खराब हो सकती है, आपका जो स्वभाव है वो उसमें दम नहीं दिखेगा, आपका हौसला कम होगा, बार बार आपके मूड स्विंग करेंगे, इससे धन हानि भी होगी, किसी भी काम को देखकर घबरा जाएंगे, काम को करने से पहले ही हिम्मत हार जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। जब व्यापार नौकरी में परेशानियां आएंगी तो परिवार में भी अनबन होगी, रिश्तों पर भी असर पड़ेगा, वैवाहिक जीवन पर भी असर पड़ेगा, प्रेम संबंधों पर भी असर पड़ेगा, आपको संभल कर फैसले लेने की जरूरत होगी और आपके फैसले यहाँ पर अगर किसी की सलाह से लिए जाए तो बेहतर होंगे वरना गड़बड़ हो सकती है। 18 से 23 के मध्य में मृत्यु पंचक का योग बनेगा, ये मृत्यु पंचक भी शनि के द्वारा बन रहा है तो काफी खतरनाक है, इसलिए इसका नाम मृत्यु पंचक है, उधर मृत्यु तुल्य कष्ट इधर मृत्यु पंचक, तो इसमें हमें सावधानी क्या रखनी है, सावधानी ये रखनी है कि कोई भी शुभ काम नहीं करना है, कोई भी नया काम की शुरुआत नहीं करनी है, जैसे गाड़ी नहीं लेना है, बंगला नहीं लेना है, मुहूर्त पे नहीं करना है, मुंडन है, घर का प्रवेश है, जन्मदिन भी आता है तो इस समय में मत मनाइए, आगे पीछे मना लीजिएगा, कुछ भी ढोल बाजे नहीं बजाने हैं, शादी नहीं करनी है, कोई नई जॉब नहीं ज्वाइन करनी है, हो सके इंटरव्यू की तारीखें अगर आगे पीछे हो सकती है तो कर लें तो बेहतर रहेगा, कोई हवाई यात्रा मत करिए, कोई बड़ी यात्रा मत करिए, थोड़ा पैसों का हिसाब किताब जो है किसी को देना है तो मत दीजिए, कोई लोन वगैरह भी मत लीजिए इस समय में, आगे पीछे कर लीजिए, बस 5 दिन की तो बात है, कोई भी शुभ काम जिसमें शुभ शब्द जुड़ा है वो काम इन समय में ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, फिर बाद में जब परेशानियां आएंगी, शुरू आप इस समय में करेंगे और ये परेशानियां फिर आप आगे लंबे समय तक झेलते रहेंगे, तो इन्हीं 5 दिनों का ख्याल कर लेते हैं, 18 से 23 तक हमें कोई शुभ काम नहीं करना है, बाकी सामान्य तरीके से छोटे मोटे काम है उनको तो करते रहेंगे, अब घर के लिए कोई कहेगा आटा लेके आना है, चावल लेके आना, ये सब काम करते रहिए, अगर हो सके संभव है तो 18 से पहले ही अपने घर का राशन भरवा के रख ले तो भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जो अशुभ है वो हर एक चीज के लिए अशुभ है लेकिन छोटे मोटे कामों में इसका प्रभाव वैसे देखने को नहीं मिलता है, फिर भी जैसे मैं अपने लिए करता हूँ कि मैं ये सब चीजें पहले से ही लेके रख लेता हूँ, अब अपनी बात करता हूँ तो आप भी ऐसा चाहें तो कर लें, लेकिन इसका कोई वहम मत करिएगा कि अगर हमने 18 से 23 या 20, 21, 22 को कुछ छोटी मोटी सामान खरीद ली तो उससे कोई अशुभ प्रभाव पड़ेगा, ऐसा छोटा मोटे में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हमारी डेली रूटीन की चीजें होती है, क्योंकि ये प्रश्न किसी ने पूछा था कि हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते तो उसका जवाब मैं दे रहा हूँ, हाँ कोई बड़ा काम मत करिएगा कि टीवी फ्रिज गाड़ी लेना बंगला खरीदना कहीं पैसा देना ये सब मत करिएगा, बाकी छोटे मोटे काम आप कर सकते हैं, तो मृत्यु पंचक में भी सावधानी, बाकी जो विष दोष है उसमें भी सावधानी मेष राशि वाले रखते हैं तो आपकी तकलीफें कम हो सकती है, भगवान शिव की आराधना करने से आपको काफी लाभ मिल सकता है और हनुमान जी की उपासना करने से भी आपको काफी लाभ मिलेगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का नाम जपते रहिए, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, कष्ट धीमे धीमे समाप्त होते चले जाएंगे और अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली की जांच कराएं और जीवन में तरक्की पाएं। हरि ओम, नमस्कार।